एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर हो गया 6। देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या पहले ही बतला दिया कि होना चाहिए कितना 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अध्यारोपित करता है, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। इसमें दो बातें पूछा है, एक तो पूछा है संगत लघु खंड का क्षेत्रफल और दूसरा पूछा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लिखिए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही होता है ना, आर स्क्वायर पाई थीटा बाटा में -1/2 साइन थीटा, इस सूत्र हो गया। आर का मान दिखता है कितना, तो 15 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 15 का वर्ग कीजिए, पाई का मान 22/7 रखना है ना, नहीं 3.14 रखने को कह रहा है, थीटा का मान देखबे करता है 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा के जगह 60 डिग्री, कटाएगा 6 आ जाएगा, कटाएगा 3 से तो कट जाएगा 2 से, 2 3 है 2 से कटेगा 1.25 10 7 दुनी ये गुणा होगा 200, यहाँ हो गया 1.57/3 और 1/2 ये हो गया √3/225, 1.57/3 माइनस ये तो दुदुनी का 4 हो जाएगा ना। अब √3 का मान यहाँ रखने को कहता है, 1.73 रखना है, √3 का मान दिया है 1.7, बाटा पर का तो जोड़ बनाइबे करता है, लघुत्तम में क्या हो जाएगा 12, तो 1 3 4 12 तो 4 से इसमें गुणा होगा, 4 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 7 5 35 6.28, 4 3 12 3 तो तितिरी का 9 3 7 3 2, देखो कौन पिछवा बोलता है तो बोलो मत आपस में नहीं तो मारियो देंगे दूसर तबड़ा के। दू दू 5 ये घट जाएगा, 18 में 9 घटेगा तो 9, ये बच गया 1 ना, 1 घटेगा तो घटेगा तो बाटा में कटने लायक दिखता है, नहीं कटेगा, गुणा कर दो, गुणा करेगा तो आएगा 245.25 या बाटा में 12। अब इससे भागा दे के इसको दशमलव में बदलेगा, 12 से इससे भागा दे के दशमलव में बदलोगे तो आ जाएगा 20.437 cm². इस संगत लघु खंड का क्षेत्रफल हो गया, उसमें दीर्घ खंड का भी क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल और पूरे संगत लघु खंड वृत्त के क्षेत्रफल दोनों का है देखा गया।
तो मान लो कि आपका वृत्त हो गया ना, वृत्त में यो केंद्र हो गया। अब एक यहाँ वो केंद्र से मान लो कि इस खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आपने यहाँ निकाला तो बच गया इधर वाला ना, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में जब ये क्षेत्रफल घटेगा तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, इसीलिए वहां लिखा गया कि वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आया है 20.437। पाई का मान इधर 3.14 दिया है, आर का मान वहां दिखता है 15 × आई हो गया 20.437। 15 × 15 = 225, और 225 में उसका गुणा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 706.5, घटाओ में 20.437.5, घटाने के बाद आ जाएगा 686.0625 cm². ना बुझाई तो फिर से बोल देना सब।